एरिया से आए हो? हम वार्ड नंबर 9 के पास पास आए थे। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। लाइट की समस्या बहुत तगड़ी है यहां पे 4-5 कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हरिओम नगर, कृष्णाजा आश्रम, कृष्ण कॉलोनी, इंदिरा नगर, नेहरू नगर, इन सब की समस्याओं को लेकर के हम जो है 2-3 साल से बराबर जो है रेगुलर मिल रहे हैं आईएन साहब से। अब ये कह रहे हैं हम कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर में हम परेशान होकर के एक्शन साहब से मिले, एससी साहब से मिले, फिर एमडी साहब से मिले। एमडी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप ये लेटर ले जाइए, आप निर्माण साहब मुख्य अभियंता उनके पास जाइए, उन मुख्य अभियंता साहब ने इनको जो है इंस्ट्रक्शन दिए बहुत तगड़े, ताकि आप जो है तुरंत आज ही जो है ना एस्टिमेट बना करके भेजें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने एस्टिमेट बना करके भी भेजा, उसमें केबल लाइन डाल दिए, और केबल लाइन डालने के बाद में इन्होंने क्या करा कि ये केवल इंदिरा नगर को जोड़ दिया एक को, जबकि जो इंदिरा नगर, नेहरू नगर, हम ये चाहते हैं कि भाई जो लाइन के पास में जो एरिया है शिव कॉलोनी, हरिओम नगर और राजा आश्रम, कृष्ण कॉलोनी है, ये जो वंचित क्षेत्र रह गया इसको भी जो है इस फीडर से जोड़ दिया जाए, ताकि आए दिन ट्रैपिंग हो रही है, लाइटें जाती है, उसकी समस्या से निजात मिल सके। अभी ऐसी भीषण गर्मी के अंदर सब लोग परेशान हैं, सब बच्चे पढ़ाई वाले परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, सारे के सारे परेशान हैं। आपको बताइए किस तरह से गर्मी पड़ रही है अभी। आपका नाम अमरचंद बहरवा, सचिव नगर विस्तार समिति, मदार विस्तार समिति अजमेर। ये वार्ड नंबर 41 मदार वाला क्षेत्र जो पुष्कर विधानसभा में आता है, इसका जो फीडर है ये ग्रामीण पालरा से जोड़ रखा है। तो हमारी कई 6-7 महीने से जो कोशिश है वो जारी थी कि इसको शहर से जोड़ लिया जाए, तो इसके कारण हमसे रेगुलर मिल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ खामिया के कारण कुछ डिले हो गया। अभी इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि कुछ टाइम में आपकी जो ये समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा, इसको शहर से जो शहर वाला एरिया है इससे जोड़ के आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आए दिन कटौतियाँ होती है बिजली की, कटौती रात रात भर जो बंद रहती है, दिन में जाएगी तो 7-8 घंटे के लिए बंद रहती है, इस समस्या को आपको दूर कर दिया जाएगा। इसके तहत हम एक्शन साहब से हमने निवेदन किया था मीणा जी से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इस समस्या को आगे तक करा भी, और आईएन साहब जो इस काम को डिले कर रहे थे उनको निर्देश देते हुए इस काम को करवाया। लेकिन जो हमारे जो क्षेत्र था, हमारी समस्या पूरे क्षेत्र की थी, लेकिन इन लोगों ने कुछ एरिए को करके इसको शांत कर दिया। हम रेगुलर 5 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं क्षेत्र में मिलने के, ये इधर एवीएनएल में मिलने के लिए आ रहे हैं आईएन साहब से, जयन साहब से, लेकिन हमारे को एक दिन पहले टाइम दिया जाता है कि हम 10 बजे आपको सीट पे मिलेंगे, लेकिन हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी आते हैं यहाँ पर कोई नहीं मिलता है, और जब फ़ोन किया जाता है तो उस समय आईएन साहब और जयन साहब कहते हैं हम साइड पर हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप साइड बता दीजिए किस जगह है साइड, हम साइड पर पहुँच जाते हैं, साइड पर आपसे मिल लेते हैं, समस्या हमारी है, हम आपके पास आ जाते हैं। लेकिन उनका रोज का 5 दिन से यही चल रहा है, वो नाम से मिलते हैं। किससे मिले, किस तरह का आश्वासन दिया? आज हम एक्शन साहब मीणा जी से, जिन्होंने हमारी समस्या का समाधान करवाया था निर्देशित करके, लेकिन ये जो समस्या थी पूरे क्षेत्र की थी वार्ड नंबर 41 मदार की, लेकिन ये अभी जो इन्होंने करवाई है वो सिर्फ इंदिरा नगर और नेहरू नगर हुआ है, और राजा आश्रम, शिव कॉलोनी, हरिओम नगर जो क्षेत्र और भी है वो इस चीज़ से वंचित रह गए। तो अभी भी कल रात को भी लाइटें 12:30 बजे बंद हुई थी, जो 1:30-2 बजे तक बंदी थी, और आए दिन का दिन भर भी लाइटें बंद रहती है, सुबह शाम लाइटें बंद रहती है, प्रॉब्लम है। इसको ग्रामीण से जोड़ रखा है, हम चाहते हैं कि इसको शहर से जोड़ दिया जाए। मीणा जी ने यहाँ पर, हम वैसे तो 6-7 महीने से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी रेगुलर 5 दिन से हम आ रहे हैं, लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे थे। इनके हमने बात हुई थी आईएन साहब से, इन्होंने कहा लॉकडाउन में हमारे पास में स्टाफ की कमी है, इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा। सुनील धानका, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 41।